हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर का बजने जा रहा है। कितना बज गया है मैं ऊपर देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 12:40 होने जा रहे हैं। आज भोग लगने में थोड़ी सी देरी हो गई। वैसे 12:30 तक भोग लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना है फ्रेंड्स घर पर। सब लोग है विश करने के लिए आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है। तो बड़ा परेशान हूँ, बड़ा बिजी हूँ। इतना बिजी हूँ कि आज मैंने इंस्टा तो कल शाम से नहीं चेक किया है। मैं आज कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल भगवान के भोग का समय हो गया। मैं इनके लिए भोग लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने भोग में क्या क्या दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो आई होप, ये मैंने पालक की पूड़ी बनाई है। बथुआ मिल नहीं पाया, क्यों नहीं मिला आई डोंट नो, क्यों बाजार में था ही नहीं। और ये जो है मीठा है, हलवा है। ये जो है पत्ता गोभी मटर की सब्जी है बिना प्याज लहसुन की। और आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो, ये पनीर की सब्जी है, मटर पनीर, ये भी बिना प्याज लहसुन की है। और ये ना मैंने जीरा राइस बनाया। मैं पुलाव बनाने वाली थी, लेकिन इतना बिजी थी, गेस्ट आ गए फ्रेंड्स, तो मैं लगा नहीं पाई। आई होप आप लोग अच्छे से थाली को जो है वो देख पाए जी। तो ये जो है इनकी नई छोटी सी थाली है, इसमें कई सारे वो हैं खन हैं जिससे भगवान आसानी से भोग लगा सके। और इसके साथ आया है एक ये ग्लास, जो कि नया ग्लास है। तो ये ग्लास और ये पानी की थाली, खाने की थाली मैं रखने जा रही हूँ। तो पहले मैं प्रभु को ये भोग अर्पित कर दूंगी, और उसके बाद जो है हम प्रभु को, ये आप देख रहे हैं तुलसी के पत्ते इसमें पड़े हुए हैं, वो अलग इसलिए क्योंकि प्रभु अपना भोग जो है वो स्वीकार करें। एक ही थाली मैंने सब लोगों को लगा दी है। जल है जो कि इसमें तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है। ये मंदिर का जल अलग है, इसमें तुलसी का पत्ता नहीं है। ये भी मैं यही रख दूंगी। और सभी लोगों से, सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु, आप लोग भोग ग्रहण करें, स्वीकार करें। जो भी बना है, जो भी बन पाया है रूखा सूखा, आप लोग जरूर ग्रहण करिए और अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रभु को भोग लगा दिया है। अब प्रभु अपना भोग स्वीकार करेंगे। पर्दा मैं नहीं करती क्योंकि शिवलिंग मंदिर में ऑलरेडी विराजित है। पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि शिवलिंग घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, इस वजह से भी पर्दा नहीं किया जा सकता। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हों, न्यू ईयर से रिलेटेड। और क्योंकि नई साल का दिनचर्या थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं जो है आज में नहीं कर देती हूँ, नहीं तो भी हस्बैंड चिल्लाने लगेंगे। जोश तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज में नहीं कर दी है। अब जो है प्रभु अपना भोग ग्रहण करते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ मैं ये सारी पिक्स अपलोड करती रहती हूँ जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया मेरे साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।